देश और दुनिया में कोविड 19 मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। कोरोना के ये मामले तीसरी लहर की ओर इशारा कर रहे हैं। देश में भी ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। कोरोना का ये वेरिएंट अब भारी तबाही मचाने वाले डेल्टा को पीछे छोड़ने लगा है। देश में काफी समय बाद शनिवार को कोरोना के सबसे ज्यादा 22,775 मामले पाए गए। वहीं 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पहुंचे ओमिक्रॉन के मामले भी बढ़कर 1483 हो गए। राजस्थान में ओमिक्रॉन के 52 नए मामले सामने आए। देश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से सक्रिय मामलों में भी तेजी से बढ़ोतरी होने लगी है। केंद्र ने कोरोना के बढ़ते मामले के मद्देनजर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर अस्थायी अस्पताल बनाने को कहा है। WHO के प्रमुख ट्रेडोस गिब्रेसियस ने कहा कि अगर सभी देश मिलकर काम करें तो उन्हें उम्मीद है कि कोरोना को 2022 में हराया जा सकता है। उन्होंने नए साल के अपने संदेश में सभी देशों को संकीर्ण राष्ट्रवाद और वैक्सीन की जमाखोरी से बचने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि गरीब देशों को भी कोरोना वैक्सीन भेजी जानी चाहिए। वैक्सीन देने में असमानता से इस महामारी से लड़ने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राजधानी दिल्ली में कोविड 19 से बचाव के लिए 15 से 18 साल के किशोरों के टीकाकरण के लिए शनिवार को पंजीकरण शुरू हुआ। केंद्र सरकार ने 3 जनवरी से युवा आबादी के टीकाकरण की घोषणा की है। बताया जा रहा है कि भारत के महापंजीयक के आंकड़ों में दिल्ली में इस श्रेणी में करीब 10 लाख किशोर हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट कर लोगों से अपील की है कि वे परिवार में 15 से 18 साल के बच्चों का टीकाकरण कराने के लिए पंजीकरण कराएं। उन्होंने ट्वीट किया, बच्चे सुरक्षित तो देश का भविष्य सुरक्षित। झारखंड में शनिवार को नए साल की पहली तारीख को कोविड 19 के 1007 मामले सामने आए। आधिकारिक प्रवक्ता ने देर रात बताया कि राज्य में आज पहली तारीख को कुल रिकॉर्ड 1007 कोविड संक्रमित मिले, जिनमें अकेले राज्य की राजधानी रांची के ही 495 मरीज हैं। इससे पूर्व 31 दिसंबर को राज्य में रांची के 327 मामलों को लेकर कुल 753 कोरोना संक्रमित लोग मिले थे। इससे पूर्व राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या में 30 दिसंबर को उस समय उफान आ गया जब राज्य में एकाएक 482 लोग संक्रमित पाए गए, जिनमें अकेले रांची के 246 मरीज शामिल हैं। हरियाणा में कोविड 19 के मामले बढ़ने के बीच अधिकारियों ने शनिवार को गुरुग्राम और फरीदाबाद समेत 5 जिलों में सिनेमा घरों, मल्टीप्लेक्स और खेल परिसरों को 2 जनवरी से 12 जनवरी तक बंद करने का आदेश दिया है। एक आधिकारिक आदेश में ये जानकारी दी गई है। गुरुग्राम और फरीदाबाद के अलावा अम्बाला, पंचकूला और सोनीपत में पाबंदियां लागू होंगी। ये आदेश ऐसे दिन आया है जब राज्य में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लगाया गया है। वहीं त्रिपुरा में 3 जनवरी से 15 से 18 साल के बच्चों का भी टीकाकरण शुरू होगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन त्रिपुरा के निदेशक सिद्धार्थ शिव जायसवाल ने बताया कि बच्चों को कोवैक्सीन लगाई जाएगी। उन्होंने कहा कि इस एज ग्रुप के बच्चों की संख्या 2 लाख है। इनके टीकाकरण के लिए हमने राज्य में 354 सेंटर खोले हैं। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल TV9 डिजिटल। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब, ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।